क्योंकि हम बड़ा लेट हो गए हैं टाइम। घूर क्या रहे हैं अंकल, सुबह सुबह लड़ेंगे। तेरा हर हफ्ते रिम ना भी बदलें तो हमारा कंटेंट ही खत्म हो सकता। इट हैज अ वेरी गुड कलर शिफ्ट टू इट। ओए कॉपी कर दियो मेनू व्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है, खैरियत से, बहुत मजे में होंगे और आपका आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजर रहा होगा। हमारे दिन की आगाज हो चुका है और घर के बाहर अगर हम देखें तो हमें एक क्या इसको कहेंगे हमें कुछ नज़र आता है और उसके साथ साथ वाज आशिक और शरियार खान भी नज़र आते हैं। तो इनकी गाड़ी के साथ आज कुछ मस्ती फिल्मकारी करनी है। खैर बातों की बातें ये हैं कि आज इनकी गाड़ी का काम है, हम चले हैं मीन मोटर स्पोर्ट्स पे। मीन मोटर स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो है आपकी और हमारी अपनी दुकान जहाँ पे हम करते हैं गाड़ियों का काम। तो चलते हैं वहाँ जाके गाड़ी के साथ जो भी फिनकारी शिनकारी करनी है उसके बारे में सोचते हैं। बाकी बातों की बातें हैं, अपना कॉन्टेंट हो गया ख़त्म। नहीं यार कॉन्टेंट नहीं ख़त्म हुआ, मजाक कर रहा हूँ। हम अगर हर हफ्ते रिमना भी बदलें तो हमारा कंटेंट नहीं ख़त्म हो सकता, बिकॉज वी आर कार गाइस और कार गाइस कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं रिम बदलने के अलावा भी। जो जानते हैं वो जानते हैं। अब अंसारी भाई को पिक कर लो ताकि वो भी जान जाए हमें। लेट्स गो दिनी एंड साथ हमारी जाएगी जी मीना प्यारी, बिकॉज वी नीड एन एक्स्ट्रा कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा जल्दी जल्दी में इंट्रो कर दिया बॉयज क्योंकि हम बड़ा लेट हो गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा। जी सर, ओके जी फादर, वो उसमें रख दे टोकरी में, टोकरी सर्विस से मोहन आ चुका है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। लेट्स गो जी, लेट्स रोल। ओए 18 के रिम ये इस पे नहीं लगने, ये सोल्ड है। ओए इस मौसम में ना, ओहो इस मौसम में नहाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। सीधी सीधी जो बात है इसमें कोई वो नहीं है, शर्म वाली बात कोई नहीं है। अंकल घूर क्या रहे हैं अंकल, सुबह सुबह लड़ेंगे। यार एक तो ये सुबह सुबह लड़ने वाले लोग बड़े अजीब लगते हैं मुझे। अभी देखें सुबह हुई है, अपना दिन एंजॉय करें, अभी निकले हंसे खेलें खुश हूँ। खैर जी यार पाकिस्तान इमाम का कुछ नहीं हो सकता, हम भी इसी का हिस्सा हैं। तो हमने भी पिक करना है एहसान भाई को, नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता करते हैं। और जहाँ तक बात रही अपनी BM की, तो BM ये है जी कारीगर रेस्टोरेंट्स पे, उसकी टंकी का कुछ काम था वो हो रहा है। इसके बाद हो सकता है कि हमारा चक्कर लगे कारीगर पे भी और हम आपको BM की थोड़ी सी अपडेट दे दें। कुछ मसरूफियत की वजह से हम कारीगर पे चक्कर नहीं लगा पाए और उसके अलावा काफ़ी सारे भाई आप में से मैसेज करते हैं कि यार आप मेरे से मिलने के लिए दुकान पे आए और मैं नहीं था। तो ऐसा होता है जी अक्सर, कभी कभी मैं दुकान पर नहीं होता और मोस्टली होता भी हूँ, तो इसके साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा क्योंकि जी हमने आपके लिए YouTube भी देखना है और साथ साथ अपना कारोबार भी देखना है, क्योंकि कारोबार आपको पता है जरूरी है, खरा काम करना होता है। कारोबार तो हम दिखाते हैं, साथ मजा भी कराएंगे, मजा भी होगा, तो इस वजह से कारोबार बहुत जरूरी है। फिलहाल जरा एहसान भाई को पिक कर लें ऑलराउंडर साहब को, क्योंकि मुझे लगता है कि मदनी को आज बहुत लोड पड़ने वाली है एहसान भाई की। चेक ABS सिस्टम की वार्निंग हमारी गाड़ी की आ रही है क्योंकि माशाल्लाह तीसरी दफा इसका सेंसर उड़ चुका है। और अगर आपके पास भी रीबर्थ है और आपकी गाड़ी भी ABS सिस्टम की लाइट दे रही है और इसका सेंसर भी उड़ चुका है, तो मेरा मशवरा लें इसको कभी भी काबली सेंसर ना डलवाएं, क्योंकि मैं तीसरा सेंसर अब ये उड़ा चुका हूँ जिसकी लाइट आनी शुरू हो गई है। ये तीसरी दफा डलवाया था जी काबली सेंसर और फिर से लाइट दे जा रहा है, दे जा रहा है। अगर आपने डलवाना है तो ब्रांड न्यू ABS सेंसर डलवाएं और जिंदगी जिये। भाई थोड़ा सा रास्ता प्लीज दे दें अगर। ओके तो पिछला बिपरा नजर आ रहा है कहीं? बिपरा तैयार नजर नहीं आ रहा, वो परली साइड से आ रहा। ब्रेकर पे रह गया बिपरा तैयार। यार कैसा यार ये, इसने एयर किस लिए लगवाई है वैसे? ड्रॉप करके चलो ऊपर करके ही नहीं चलाता बिपरा तैयार। लेट्स गो। भरा जी की हाल चाल है, ठीक हो ना? किथे जा रहे हैं? ब्रदर ये मिनी रोड पे है मीन मोटर स्पोर्ट्स। आज हम जा रहे हैं पूरे टाइम से खरा काम करने कारोबार पे। शेरा हमारा वेट कर रहा है उधर, शेरे ने दुकान खोली हुई है और नाश्ता भी करना जाके शेरे के साथ ही। तो लेट्स गो, सीन मौसम है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है, तो मुझे जरा ये पहनने की जरूरत है ताकि कोई ठंड ना लग जाए ना। आपका भाई जरा थोड़ा सा नाजुक है। क्या है? महिला महिला
महिला नहीं पता तो महिला इज लेडीज। शेरी किंग पे हमला हो चुका है जी, बेचारी स्क्रीन के इतने हालात ही नहीं है कि उसको साफ किया जाए, लेकिन फिर भी हो रही है साफ। पिछली स्क्रीन भी इनकी मौजूद नहीं है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए सफर। ना 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 ना, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। काफी ज्यादा देर ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा क्योंकि नहर के हालात कुछ इस तरह के हैं। अब अल्लाह ही जाने। हुई हुई हुई, ये डब्बे की ग्रिल चेक करो उन सारी भाई, पूरी बीएम वाली है। ये देख कितने एमबी है। क्या हुआ? रात के हैं लेकिन सारे, ये रात के चलेंगे। हुई हुई हुई, शिट, लॉस हो गया। अभी हमारे पास नेट नहीं है। हाँ जी, गाड़ी का कोई काम? इनसे बच के रहे भाई, आपने मेरे पास आना है, नहीं आना मिंटगुमरी पे, जिधर से आपका दिल करता है काम कराए, रिम्पा से कराना रिम्पा से कराए, मिंटगुमरी से कराना मिंटगुमरी से कराए, इनसे बच के रहे। कह रहे ना गाड़ी का कोई काम, या आपके बहुत काम भाई, मुझे भी लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। वो मुझे ना कोशिश वाले के पास डायरेक्ट करा के अपना, उसने इशारा करा दिया होगा। 2500 रुपए की कोशिश करवाई। हाँ जी, फिर से उसने 6000 रुपए जेब में किया, उसको 2500 दिए और घर चला गया। मैंने तो 2500 ही करके दिया, मैंने तो 2500 लिया उससे। तो ये वाला सीन बड़ा बैड होता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने बचपन के टाइम पे, जब 2016-17 में रीबर्थ एक होती थी हमारे पास, ये वाली नहीं दूसरी थी, वो व्हाइट थी, उसमें मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो इनसे बच के रहें, अजान हो रही है, बाकी आपसे बाद में बात करते हैं। और इसी के साथ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सीट बेल्ट को अनबकल कर लेते हैं और मीन मोटर स्पोर्ट्स में दाखिल हो जाते हैं। हो वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? कुछ बाश हो? खैरियत ना लो, इसको डाउन कर दे। ओके यार जैन, तू तो गलत पार्सल भेजी जाता है यार। भाई ने यही कहा था, कहा था तूने वो भेज दी। क्या हाल है सर? ठीक हो? A few moments later. ये रैप का कलर है तो अब इस पे ये रैप होने लगा है। गाड़ी वैसे तो खुली हुई है, थोड़ी बहुत खुली रह गई है, वो खोल रहे हैं जैन साहब। बस अभी हैंडल वगैरह खोल रहे हैं गाड़ी के, तो इसके बाद गाड़ी पे ये वाला रैप होना है। क्यूस रैप है, वल्गर टॉक्स कर रहे हैं। ओ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अपडेट कुछ इस तरह की है कि ये बंद करेंगे, प्लीज कॉपीराइट आ जाएगा ब्रो। पैशन के लिए करता हूँ लेकिन पैसे भी आते हैं ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बता रहा था कि हम दुकान में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आज भी आपको अपडेट कर चुके होंगे, गाड़ी का खोलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो मैं आपको लाखों दफा रैप वाली वीडियो में समझा चुका हूँ कि रैप करने से पहले गाड़ी की बेस अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी की बेस साफ सुथरी होनी चाहिए, बेहतरीन काम होना चाहिए। उसके लिए शेरी किंग को हमने पहले ही एडवाइस कर दिया था कि यार गाड़ी को ना, जैसा कि आप देख सकते होंगे, अस्तर शस्तर लगा है, गाड़ी की बेस बेहतरीन हद तक ओके है, अच्छी है। अब इससे ज्यादा ये है कि हम रैप करते हुए एहतियात करेंगे और जिधर जिधर से उतरने के खदशात होते हैं, खतरा होता है, उधर हम थोड़ी एक्स्ट्रा बेंडिंग दे के, एक्स्ट्रा गैप दे के रैप करेंगे। बाकी फिलहाल जरा नाश्ता आ रहा है, जैन भी आ जाए नाश्ता कर ले, नाश्ता करने के बाद फुल स्पीड से गाड़ी रैप होगी जी। बिग बॉय मोटर स्पोर्ट के ओनर जिंदगी से हवादार बैठे हैं, फुल सैड बज में है। जैन भाई ये गाड़ी आज ही खोलनी है, खुल गई आगे, पता है ना? इसके कहते कहते खोलो, इसके डोर हैंडल्स खोलने हैं, वेदर स्ट्रिप्स अच्छा है, पहले ही हमारी नहीं लगी हुई, ये वाली लगी हुई है, ये खुल जाएगी, उसके अलावा ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइड मिरर्स खोलने हैं, इंडिकेटर्स खोलने हैं, हेडलाइट्स खोलनी है, बम्पर लिप मेरे ख्याल से लगा रहेगा, इसको भी नहीं उतारेंगे क्योंकि फाइबर है, ये फिट हुआ हुआ है, इसको नहीं छेड़ सकते, लेकिन इसको एक दफ़ा पता छता मार के, इसकी भी मंजाई करके ना, इसको बेहतर कर लेंगे ताकि पेपर हमारा टिके इस तरह की जगहों से, कल को हमारा पेपर उतरे ना। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। भाई आप पैकेट में ले आते ना, ये तो आपने बहुत जदोजहद कर दिया, वो किधर से लेके आए? वेरी गुड यार,
ओए अच्छा भाई देख लेते हैं, रोटी खोल के स्पीक है मत। आजो आजो छुलछे आ गए हैं, गोल छुलछे छंछे छंछे गर्मा गर्म हीटर भी है। इसको बाबा किधर रखे हैं, इसको इसको इधर रखते हैं। One hour later. Shift number two, खाना खा रही है, वेरी गुड। मकाज बिरयानी चल रही है, हमें नान चनों में पुख्ता दिया, वेरी गुड। फाइनल कपड़े गाड़ी को लग रहे हैं एंड दिस इज द रैप जो के होने जा रहा है जी मदनी त्यारे पे। इधर से आपको ब्राउन लग रहा है, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये थोड़ा सा मेरून हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट लाइट में आएंगे तो ये थोड़ा सा आपको रेड का टच भी देगा। अभी फिलहाल रोल के साथ तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इट हैज़ अ वेरी गुड कलर शिफ्ट टू इट। ओह केड़ी गल हो गई भरा जी, आई होप के अच्छा लगेगा। और ये एक नया कलर है जो मार्केट में मुतारफ हुआ है आफ्टर मेनी ईयर्स, जो कि मेनी ईयर्स आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी अर्से के बाद एक नया कलर लॉन्च हुआ है, तो ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है। पीवीसी नहीं है, मेटेलिक है जैसा कि आपको बता रहा था, सिल्वर बैग के साथ। तो दिस इज़ गुड एंड आई होप कि ये गाड़ी पे भी अच्छा लगे। बस इसके बम्पर पे बहुत शक है, इसका बम्पर बड़ा ही मुश्किल है यार, जी भी बम्पर है इसका भी। क्या रंग है, पिंक है ये भी, मतलब कि इसको ब्लू पिंक नजर आता है और पिंक कुछ भी नहीं नजर आता। ये सीन है ना, वो शॉकिंग पिंक लग रहा ना, ब्लू शेबी है इसके ना। कलर कोडिंग में थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा मसला आ गया, इसी कोड नहीं मैच है। शेबीएस को पर्पल शॉकिंग पिंक लगता है, ब्लू भी शॉकिंग पिंक लगता है, ये जो येलो सा है ये इसको ग्रीन लगता है, और उससे अगला ये भी शॉकिंग पिंक ही है, वेरी गुड माशाल्लाह। खाली पिंक है मतलब फ़र्क है दोनों में, ये जो ब्लू ये जो ये तीसरे चौथे नंबर पर है ये शॉकिंग पिंक है, और सबसे लेफ्ट वाला पिंक है, फिर राइट वाला स्काई ब्लू है। वो कैसे नजर आया तुझे, बताया मैंने तुझे, तूने बताया यार, ये देख चीटिंग करता है यार। ये इसी मोटिवेशन और फोकस के साथ अगर रियल लाइफ में गाड़ियां ले लेना सारे और ड्रिफ्टिंग शुरू कर दे, ये पाकिस्तान को वक्ता डाल ले इतनी से लोग। लेकिन ये कहते हैं कि स्कूल मॉल अपने अपने 14 प्रो मैक्सों में गेम खेली जाए। गाड़ी भी रैप हो रही है, देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह 9:15 बजे हैं सिर्फ, क्विक सर्विस माशाल्लाह, हमारी गाड़ी तकरीबन पूरी रैप हो चुकी है। ये वाला फेंडर हो रहा है, बम्पर हो गया बेहतरीन, बोनट हो गया, ये साइड हो गई, पिलर हो गया, क्या बात है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कलर मेरी चॉइस है और ये कलर नया आया, तो मैंने शहरी किंग को मशवरा दिया कि यार आप ये करो। ऑलरेडी आप इसका कलर शिफ्ट देख सकते हैं कि इधर ब्राउन है और इधर आने पर यह हल्का सा मेहरून, और ब्राइट लाइट हो तो उधर रेड शेड भी दे रहा है, मतलब डार्क रेड कह लें। ओए लाइट चली गई। तो जी बॉयज इट इज अ रैप, और एक बार फिर रैप वीडियोस की एंडिंग जैसी होती है, फाइनल प्रोडक्ट भी देखने को नहीं मिलता और मैं भी आपको थका हुआ और फुल एंड हुआ हुआ मिलता हूँ। तो स्पीड जो थी ना वो थोड़ी सी कम पड़ गई, हमें बच गए खाना खुना खा के, कोई क्या टाइम हो रहा है, 2 बज गए जी। इट इज़ अ रैप, आज का व्लॉग आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नाइट टाइम में थोड़े से रोलिंग्स मदनी के एंजॉय करें, लेकिन ये भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, साइड पैनल रैप होने हैं, अगली किट रैप होनी है, बहुत सारे छोटे छोटे टचेस भी हैं, तो उसका इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाइक ने इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट। ये सारा क्लिप मुझे लग रहा है कि फोकस के बगैर रिकॉर्ड हुआ है, तो जरा गुजारा कर लेना। लुकिंग लाइक अ वाओ। हां दुबई के हैं।